अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं एक डेमो देने लगा जो क्लाइंट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर स्कूल का कॉलेजेस का। तो उनके लिए ये है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, कि वो घर बैठे रिज़ल्ट और अटेंडेंस सिस्टम देख सकें अपने बच्चे का, तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल और आसान है कि कोई भी पेरेंट्स जो होगा वो उसको ईज़िली देख सकेगा लॉगिन करके। और उसके अंदर रिज़ल्ट और अटेंडेंस की ही दो सिर्फ ऑप्शन होंगी। तो मैं एक डमी अकाउंट एंटर करके आपको दिखाता हूँ। जो ये डमी अकाउंट होगा ये ओरिजिनल डाटा ही होगा जो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर दिखा रहा हूँ। मैं एक आईडी एंटर कर रहा हूँ, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह डायरेक्टली रिज़ल्ट खुल जाएगा। ये बच्चा है अहमद रज़ा, FSC इंजीनियरिंग का, इंटरमीडिएट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सारा उसका रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स की जो टाइप है वो भी आ रही है यहाँ पे, देखिए फेस टेस्ट आ रहे हैं सारे। ये जो ब्लू है ये एब्सेंट है, और जो रेड है ये फेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाकी हैं वो सब पास हैं। साथ में देखिए आप टीचर नेम भी आ रहा है, ऑब्टेन और स्टेटस भी आ रहा है, पास है या फेल है, पार्ट टेस्ट का टाइप, और यहाँ पे साथ में सब्जेक्ट्स और डेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट हैं सारे, फेस टेस्ट हैं, फिर उसके पहले सेंड अप थे, ठीक है, उसके पहले मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, जो भी आप देखना चाहें यहाँ पे, जो भी उसके टीचर ने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री की होगी जो डेली बेसिस पे वो करते हैं, वो साथ साथ यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मंथली, वीकली, रैंडम, फेस टेस्ट, सेंड अप टेस्ट, ये सब टीचर्स ने एंटर किए हुए हैं, जो कि आप अपने घर पे मोबाइल पे लॉगिन करके भी देख सकते हैं इजीली। उसके बाद यहाँ पे आप अटेंडेंस पे क्लिक करें, अटेंडेंस आ जाएगी आपके सामने। ये लीफ जो है वो ब्लू रिप्रेजेंट करेगी, एब्सेंट यहाँ पे नहीं है कोई भी, इसलिए एब्सेंट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये पार्ट वन और पार्ट टू है, जो जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका पार्ट वन का डाटा शो हो जाएगा या पार्ट टू का। इसी तरह आप रिज़ल्ट के अंदर भी देख सकते हैं, आप पार्ट वन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा पार्ट वन का डाटा आ जाएगा। तो ये बच्चा पार्ट वन में ही है, इसलिए इसका पार्ट टू का भी रिकॉर्ड नहीं है। जब मैं पार्ट टू पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि इसका रिकॉर्ड नहीं है। जो ही मैं पार्ट वन पर क्लिक करूँगा तो आप पार्ट वन पर इसका सारा डाटा देख सकते हैं। ये डाटा सारे उसके जो टीचर्स हैं वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हैं, और साथ ही ऑटोमेटिकली वहाँ से अपलोड हो जाता है, और पेरेंट्स वगैरह जो हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, वो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। और जो पासवर्ड होगा वो आप ही प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को, और पासवर्ड वो चेंज नहीं कर सकेंगे। वैसे तो चेंज की ऑप्शन भी बीच में है, अगर कोई क्लाइंट अगर दिलवाना चाहता हो तो। बेसिकली इसलिए नहीं होता कि स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हम पासवर्ड सिंपल ही रख कर दे देते हैं, लेकिन थोड़ा रैंडम होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ होता है लेकिन रैंडम होता है, तो वो इसी लॉगिन से देख सकते हैं पेरेंट्स। इसके अलावा इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंपसेस दो हैं, अगर आपका एक कैंपस है तो आपको जो भी आपका कैंपस होगा बॉयज़ गर्ल्स वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ये सॉफ्टवेयर अटैच होगा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के साथ। यहाँ पर मैं एडमिन से भी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट डमी के तौर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सब के यूज़र नेम पासवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गर्ल्स सेलेक्ट करूँगा तो गर्ल्स के आ जाएंगे, ये देखें, बॉयज़ के सेलेक्ट करूँगा तो बॉयज़ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट पे सारे लॉगिन्स हैं, किस जो एडमिन से लॉगिन हुआ होगा वो किसी के ऊपर भी क्लिक करेगा, बच्चे के ऊपर लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वही रिज़ल्ट और अटेंडेंस निकलेगी जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर किसी को लाइव डेमो देखना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी फर्दर चेंजिंग करवाई जा सकती हैं, जैसा कि हर क्लाइंट अपनी मर्ज़ी की करवाता है। तो ये मैंने एक सबसे सिंपल जो डेमो मैंने दिया है, और सबसे सिंपल ये है कि एटलीस्ट जो पेरेंट्स नहीं ज़्यादा जानते, यूज़ नहीं करना चाहते, जिनको पता नहीं कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये कि बहुत सिंपली वो बस अपनी बच्चे की होनो ले सकते हैं कि उसका रिजल्ट्स और अटेंडेंस वगैरह कैसे चल रहा है कॉलेज में, और कॉलेज डेली बेसिस पे उसकी अटेंडेंस और रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट कर रहा होता है। जो भी
रिज़ल्ट और अटेंडेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो जिसको भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी इसका डेमो फर्दर कोई देखना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।